हुजूर ने अपनी अंगूठी मुबारक एक दिन यारेगार को दे दी है। माजरत के साथ जरा 30 सेकंड बर्दाश्त कीजिएगा। कहते हैं यारेगार ये अंगूठी ले जाओ। हुजूर क्या करना है? फरमाया इस पे तौहीद लिखवा के लाओ। कच्ची पक्की रोटी नहीं पढ़ रहा, इमाम फखरुद्दीन राजी से पढ़ रहा हूँ, तफसीरे कबीर से पढ़ रहा हूँ। यारेगार ये अंगूठी ले जाओ, तौहीद लिखवा के लाओ। तौहीद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। यारेगार ले गए, नकाश से कहा भाई इस पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दो। वापस आए यारेगार हुजूर की बारगाह में, सरकार ये अंगूठी है, मेरे आका ने जब अंगूठी पकड़ी है देखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। यारेगार ये क्या लिखवा के लाए हो, ये क्या है? मैंने तो कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह तक लिखवाओ, ये आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, अबू बकर सिद्दीक भी है। हाथ बांध के अर्ज करते हैं करीम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तो मैंने लिखवाया है, आगे मुझे नहीं पता, आगे मैंने नहीं लिखवाया हुजूर, आगे मैंने नहीं लिखवाया। इतनी देर गुजरी है, ये वजीर चुप किया है, वो वजीर आ गया है, वो वजीर आ गया है। हजरत जबरील अर्ज करते हैं हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तो अबू बकर ने लिखवाया है, आगे ऐसा आप लिखवाए हैं, आप हमने लिखवाया है, मेरे रब ने भेजा है। जबरील पहुंचो महबूब की बारगाह में, जाके अर्ज करो यारेगार की रिजा ये है, यारेगार मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह तक कहा था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखवाया है? यारेगार चाहते हैं हुजूर मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं राजी था, मेरी नहीं रिजा के रब के नाम से तुम्हारा नाम जुदा हो जाए, रब के नाम से तुम्हारा नाम जुदा हो जाए। जबरील कहते हैं रब फरमा रहा है यारेगार नहीं चाहता कि मुस्तफा का नाम खुदा के नाम से जुदा हो, हम भी नहीं चाहते यारेगार का नाम मेरे यार से जुदा हो जाए, हम भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि अबू बकर का नाम मुस्तफा के नाम से जुदा हो जाए। अच्छा।